बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर गुना से खबर है, फिर लक्ष्मण सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस को कोसा है, जहां कांग्रेस को दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद देनी पड़ रही है, ये बात लक्ष्मण सिंह ने कही। कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई है? दिग्विजय सिंह के भाई चचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह। उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा, हम कांग्रेस के साथ ही बीजेपी संघ की विचारधारा को निरंतर कोसते हैं, मैं भी उनके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई है? चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा किस तरीके से कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के समर्थन में खुलकर कैंपेन करते हुए नजर आए। हालांकि इन सब चीजों से अलग लक्ष्मण सिंह कुछ अलग सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि जो विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ती आई है, अब कुछ नेता उसी विचारधारा का सहारा ले रहे हैं। और इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आने की शुरुआत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं, गृहमंत्री, उन्होंने भी रिएक्शन दिया और पीसी शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। आपको सुनाते हैं। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस की विचारधारा यथावत है और कांग्रेस की विचारधारा सेवा की विचारधारा है और मेवा की नहीं है, इसलिए सेवा की विचारधारा कांग्रेस की हमेशा से रही है और अभी से नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस को विक्ट्री दिलाई, सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा के, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया, प्रधानमंत्री बनी। इस सेवा की भावना हमेशा से कांग्रेस में रही और आज भी है।